हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीता आज आपके साथ शेयर करूँगी मेरे डेली रूटीन वेज के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आज मैंने सुबह से उठ के सबसे पहले क्या किया। तो फ्रेंड्स आइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और देखिए मैं उठ चुकी हूँ और मैं सुबह उठ के पहले अपने डेली रूटीन के काम स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने सबसे पहले बाहर का विंडो ओपन किया, खिड़की ओपन करने से तो उसकी रोशनी जो है पूरे रूम में आ रही है और मुझे अभी लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा बेड बनाना। तो सुबह उठ के पहले बेड रेडी कर लेना चाहिए, नहीं तो घर पूरा घर फैला फैला सा रखता है। तो अभी मैं बेड बना रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड, मैं सुबह 6 बजे से पहले उठ जाती हूँ और उठ के मैंने मेरे जो काम है आधे तो खत्म कर लिए, जैसे मेरा फ्रेश होना, ब्रश करना और जो सुबह के एक्सरसाइज है, और मैंने मॉर्निंग वॉक भी करके आ गई हूँ। तो अभी मैं उसके बाद स्टार्ट करती हूँ मेरे घर के काम। तो अभी मैं ये बाहर का जो डोर है बालकनी का वो भी ओपन कर रही हूँ। देखिए बाहर कितना सारा मौसम खराब हुआ है। माइक अभी जो मेरा सोफा है उसको डस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सोफे में हमेशा एक कपड़ा कवर करके रखती हूँ, इससे हम लोग कुछ भी बैठते हैं या कुछ भी डस्ट वस्ट सा होता है तो एक कपड़े में ही लगता है, तो डायरेक्ट सोफे में नहीं लगता है, इसलिए मैं हमेशा एक कपड़ा इसमें बिछाते रहती हूँ क्योंकि जो सोफा का कवर रहता है तो उसमें हम निकाल के धो नहीं सकते, मतलब ये सोफे का सिस्टम ऐसा है कि खोल के धो नहीं सकते, तो इसलिए हमेशा मैं एक कपड़ा उसके ऊपर से कवर कर देती हूँ क्योंकि जो हम दिन भर इसमें बैठते बैठते हैं तो सारा जो भी है कुछ गिर जाता है या कुछ खाते हैं तो इसमें गिरने से एक कपड़े में लग जाएगा तो सोफा गंदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ पूरे घर में झाड़ू लगा दूँ, घर में अंदर और सारे रूम में और बाहर आंगन में भी और बालकनी में भी, क्योंकि पहले जो झाड़ू लगा दूंगी तो जो पूरा पूरा डस्ट जो है पहले अच्छे से निकल जाएगा क्योंकि पहले हम झाड़ू अच्छे से लगा लेंगे तो झाड़ू लगाने के बाद जो हम मॉप करेंगे तो मॉपिंग करने में भी आसानी होती है। आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो मैंने इस वजह से सॉक्स भी पहने हैं मोटे से और मैंने टोपी भी पहना है क्योंकि विंटर का टाइम है तो सुबह सुबह ठंड भी बहुत लगती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉपिंग करना क्योंकि मैं इसके बाद पूरे घर की मॉप कर लेती हूँ, क्योंकि मॉपिंग करने से जो बच्चे कुचे डस्ट हैं वो अच्छे से इसमें निकल जाएंगे। तो अभी मैं पूरे घर में मॉप, मेरे जो ये डेली रूटीन के काम है मैं हमेशा सुबह सुबह स्टार्ट कर लेती हूँ 6 बजे से। अभी मैंने पोछा लगाना शुरू किया है और पोछा मैं किचन से लगाते हुए मैं आ रही हूँ, अभी पूरे घर की सफाई कर रही हूँ और इसके बाद में जो बाहर का भी सफाई करना है क्योंकि बाहर और घर पूरे घर की सफाई मैं दिन में सिर्फ एक ही बार करती हूँ और फ्रेंड मुझे अच्छा लगता है। मैं अपनी इस फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ऐसे में आप लोगों के साथ बात करते करते सभी काम कर लेती हूँ तो थोड़ा सा हल्का लगता है और अच्छा भी लगता है, मुझे खुशी भी होता है कि मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं दिन में अपने घर की सफाई सिर्फ एक दिन में एक बार ही करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पोछा लगा दूंगी और पोछा लगा के ख़त्म करके मैं इसको अच्छे से सूखने दूंगी क्योंकि जब भी हम पोछा लगाते हैं तो हमेशा अच्छे से सूखने देना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर मेरा पोछा लगा के ख़त्म कर दी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने पोछा लगा के ख़त्म कर दिया है। तो अभी मैंने घर की सफाई ख़त्म कर दी है और मैं अभी मेरे जो सामान है उसको वापस ऑर्गेनाइज कर रही हूँ क्योंकि जो सामान जहाँ से उठाया था उसको वापस वहीं पे फिक्स करना भी जरूरी होता है, नहीं तो सामान बाद में गड़बड़ हो जाता है। तो मैं अभी जा रही हूँ अभी किचन की तरफ जाऊंगी क्योंकि अभी मैंने किचन के में न जाके नाश्ते की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी पानी गरम, एक पैन में पानी गरम करूंगी।
मैं अपने लिए लाइम वाटर बनाती हूँ जब सुबह उठती हूँ, तो हमेशा गर्म पानी के साथ में, मतलब गुनगुना जो पानी रहता है उसके साथ में लेमन जूस पीना पसंद करती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ लेमन जूस। इसके लिए मैं पैन में पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी करूँगी, फिर उसमें लेमन, क्योंकि डायरेक्ट ठंडे पानी में अच्छा नहीं लगता, तो मैं अभी थोड़ा सा गुनगुना पानी कर रही हूँ, फिर उसमें बनाऊंगी मेरा लेमन जूस। लेमन जूस बनाने के बाद अभी मैं लेमन जूस बना रही हूँ, और इसमें मैं 1 चम्मच हनी और थोड़ा सा काला नमक यूज करूंगी, क्योंकि लेमन जूस में हमेशा हनी अच्छा रहता है और काला नमक जो है वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सुबह मैं हमेशा नींबू पानी ही पीती हूँ। तो मैंने अभी लेमन जूस बना दिया है, और जो सामान मैं जहाँ से निकालती हूँ साथ ही साथ वहीं पे रख देती हूँ, नहीं तो बाद में ढूंढने में इधर उधर फिर गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा सामान को साथ ही वह वापस रख ही देती हूँ। और अभी मेरा लेमन जूस बन के तैयार हो गया है, तो अभी मैं थोड़ा सा लेमन जूस पीऊंगी। इसके बाद लेमन जूस पीने के बाद मैं थोड़ा सा फिर 5 मिनट बैठ जाती हूँ कभी सारे काम खत्म करके, तो थोड़ा सा आराम, क्योंकि जब भी पानी पीना चाहिए तो बैठ के ही पानी पीना चाहिए। हम कुछ भी पीने का, जैसे हम कुछ भी पीते हैं तो हमेशा बैठ के पीना चाहिए, कहते हैं कि खड़े होके नहीं पीना चाहिए, तो इसलिए मैं जब भी कुछ पीती हूँ तो बैठ के ही पीती हूँ। और अभी मैं लेमन जूस पी रही हूँ, और इसके बाद जो मेरे काम है, तो मैंने अभी लेमन जूस पी के ख़त्म कर लिया है फ्रेंड्स। तो मैं अभी वापस जा रही हूँ किचन में, मेरे किचन में जाके मैं अभी नाश्ते की तैयारी करूँगी। नाश्ते की तैयारी के लिए जो यहाँ पर शाम के जो दाल बचे हुए हैं, तो मैंने कल थोड़ी दाल ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मैंने दाल नहीं खाया। तो मैं अभी सोच रही हूँ दाल जो बचा हुआ है वापस दाल ना खा के इसकी रोटी बना दूँ, मतलब आटे के साथ मिक्स करके आटा गूनूंगी, तो ये पराठा जैसा बन जाएगा। और इसको दही के ले के साथ ले सकते हैं, क्योंकि दही तो ऐसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दही था घर में, तो मैं सोच रही हूँ अभी दाल का पराठा ही बना देती हूँ। तो इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस दाल में आटे को, बचे हुए जो दाल था उसके साथ में आटे को गून दूंगी। आटा गूनने के बाद मैं शुरू करूंगी पराठा बनाना शुरू करूंगी, क्योंकि तो अभी नाश्ते का टाइम भी हो गया है। बहुत इजी है, बस जो दाल है उसमें आटा गून दो और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने आटा भी गून लिया है, अभी मैं दही को एक कटोरे में निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं पराठा बनाना शुरू करूँगी, और जब पराठा बन जाएगा तो मैं सर्व कर दूँगी। और मैं पराठा हमेशा दही और अचार के साथ ही सर्व करती हूँ, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। पराठा सब्जी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी फ्रेंड्स मैंने पराठा बना दिया है, तो ये देखिए मेरा पराठा बन के तैयार हो गया है। अभी मैं इसको सर्व कर रही हूँ ये दही और अचार के साथ। अभी ये कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी आई हुई है, और रोज सुबह आ जाती है 7 से 8 बजे के अंदर, तो हमको इसमें कूड़ा देना होता है, वेट वेस्ट अलग और ड्राई वेस्ट अलग। तो ऐसे हमको स्वच्छ भारत का साथ देना चाहिए, और मैं भी हमेशा इस नियम का पालन करती हूँ, तो इस वजह से हमारा आसपास भी गंदगी नहीं रहती और हमारा देश स्वच्छ रहता है। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान दीजिए, कूड़ा कहीं फेंकिए मत, और जो भी कचरा रहता है अपने साथ वापस घर लेके आइए, और ऐसे ही हमको अपने देश का साथ देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।